हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका विद राना। दोस्तों, आज मैं आपको कद्दू के बीज के बारे में बताऊंगी कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। पौष्टिक आहार से भरपूर होने के कारण कद्दू के बीज का रोजाना सेवन करने से कई फायदे होते हैं। चाहे यह साइज में छोटे हैं, लेकिन इनके फायदे बड़े हैं। यह छोटे बीज मिनरल, विटामिन, हाई फाइबर से भरपूर हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। पम्पकिन सीड विटामिन के और ए से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की खूबी होने के कारण यह खून में पैदा होने वाले फ्री रेडिकल से आपको बचा कर रखते हैं। फ्री रेडिकल स्वस्थ सेल से मिलकर शरीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होने पर यह फ्री रेडिकल को स्वस्थ सेल से मिलने नहीं देते और शरीर को बीमारी से बचा के रखते हैं। दूसरा इसका फायदा है वजन कम करना। जी हाँ, कद्दू के बीज हाई फाइबर से भरपूर होते हैं। थोड़ा सा खाना खाने के बाद पम्पकिन सीड खाने पर आपका पेट लंबे समय के लिए भरा रहता है। ऐसा करने से आप कम कैलोरी का सेवन करते हैं, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। एक दिन में जितनी कैलोरी का सेवन करना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा कैलोरी खा ली जाती है तो वजन बढ़ जाता है। कद्दू के बीज में कैलोरी की मात्रा कम होती है, जिससे वजन कम होने में मदद मिलती है। अगला इसका फायदा है मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद। डाइट्री फाइबर खाने का वो भाग है जो पचता नहीं है, इसलिए हम जब भी डाइट्री फाइबर का सेवन करते हैं, जैसे कि कद्दू के बीज, तब आपके शरीर को खाना पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। इसमें शरीर में कैलोरी बर्न होती है और मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है। साथ ही इससे पाचन शक्ति में होने वाली बीमारी भी दूर रहती है। अगला इसका फायदा ये है कि ये ब्लड प्रेशर को स्वस्थ रखता है। कद्दू के बीज में कई सारे मिनरल्स जैसे कि मैंगनीज, कॉपर, जिंक और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। इन मिनरल्स का सेवन करने से ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। खून में ज़्यादा नमक होने से ब्लड प्रेशर पर असर पड़ता है, लेकिन कद्दू के बीज में मौजूद मिनरल्स खून में नमक की मात्रा सामान्य बनाए रखते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। अगला इसका फायदा है स्वस्थ त्वचा। कद्दू के बीज में विटामिन के और ए के साथ साथ विटामिन बी भी होती है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। शरीर में विटामिन बी की कमी होने से त्वचा पर मौसम में बदलाव, क्रीम से खराब असर हो सकते हैं। ऐसा होने से त्वचा पर लाल धब्बे, मुहासे और सूखापन आ जाता है। विटामिन बी में एंटीऑक्सीडेंट होने से त्वचा स्वस्थ बनी रहती है, साथ ही खून का बहाव स्वस्थ रूप से होता है, जो त्वचा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर हमने बात की कद्दू के बीज से होने वाले फायदे के बारे में, लेकिन ईच क्वाइन हैज टू साइड। जी हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इसके इतने फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहला है वजन बढ़ना। यह सच है कि कद्दू के बीज खाने से फैट बर्न होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से वजन घटने की जगह बढ़ भी सकता है। डाइट्री फाइबर को पचने में ज़्यादा समय लगता है, जिससे आप बार बार नहीं खाते हैं, लेकिन अगर कद्दू के बीज का सेवन अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो फाइबर जल्दी से पचेगा नहीं, जिससे वजन बढ़ सकता है। अगला इसका नुकसान है लो ब्लड प्रेशर। कद्दू के बीज में मिनरल्स होने के कारण यह आपके शरीर में खून के बहाव को सही से बनाकर रखता है। इसके अलावा यह आपके ब्लड प्रेशर को भी सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लोगों को पम्पकिन सीड्स का सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी का खतरा होना भी इसका एक डिसएडवांटेज है। कद्दू के बीज से एलर्जी होने के बहुत कम आसार होते हैं। अगर आपको किसी भी बीज से एलर्जी है तो कद्दू के बीज का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कद्दू के बीज से एलर्जी होने पर गला सूज जाता है, खाना खाने में दिक्कत होती है, त्वचा में खुजली होती है और सांस में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कद्दू के बीज के फायदे और नुकसान। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बीज को हमें खाना कैसे है। पम्पकिन सीड्स को आप अलग अलग अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स को रोस्ट करने के बाद आप खा सकते हैं। इनको पुडिंग, ग्रेवी या फिर सूप के ऊपर डाल के खा सकते हैं। रोस्ट किए गए बीज को आप सलाद के साथ खा सकते हैं। पम्पकिन सीड को ओट मील के साथ खा सकते हैं, जिससे खाने का पोषक तत्व बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी पम्पकिन सीड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।